आप भी वीडियो में से ऑडियो को अलग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और आपको वीडियो में से सिर्फ वॉइस को निकालना होता है और वॉइस को एडिट करना होता है तो उसे कैसे करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम आपको काइन मास्टर में से वीडियो में से ऑडियो कैसे निकालते हैं बताएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने वीडियो एक सेलेक्ट कर ली है, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको और मैं इसका साउंड बंद कर देता हूँ। लेकिन आप अगर लेफ्ट साइड मेरे देखोगे तो दो लाइन्स आपको एल और आर दिख रही होंगी, तो वो यही दिखाती हैं कि वो वीडियो में जो वॉइस है वो कितना आ रहा है। चलिए अभी मैं आपको इसमें से वॉइस निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वॉइस। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 200 इसकी वॉइस कर रखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जैसे ही मैं इसकी वॉइस निकालूंगा इसकी ओरिजिनल वाली जो वॉइस है वो अपने आप बंद हो जाएगी। चलिए इसको हम राइट करते हैं और अपनी क्लिप पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हमें सबसे नीचे आ जाना है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ऑडियो नीचे आ जाएगी वीडियो की। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी ऑडियो नीचे आ गई और अभी मैं अगर आपको वीडियो दिखाऊंगा तो वीडियो की जो हमारी ऑडियो है वो बंद हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहां पर रेड हो चुका है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी अगर इसको चलाना चाहते हो तो आप इस पर टिक करेंगे तो ये फिर वीडियो की ऑडियो भी चल जाएगी। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूं और अभी मैं जो हमने ऑडियो अलग करी है इसको दिखाता हूं। तो यहां पर ही मैंने ऑडियो अलग करी और मैं इसकी 200 करके और अभी मैं इसको चला के दिखाता हूं। तो एक बार और दिखा देता हूं, मैंने यहां से देख सकते हैं आप वीडियो का मैंने बंद कर रखा है सिंपली। जैसे देखिए मैं 0 पे कर देता हूं वीडियो का और राइट करने के बाद में मैं भी आपको चला के दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे एल और आर मतलब लेफ्ट और राइट वाला जो हमारा इक्वलाइजर है वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में से ऑडियो निकाल सकते हो, फिर उसके बाद में ऑडियो पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ये सारा कुछ कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ डिटेल में जाननी है और काइन मास्टर चलाना सीखना है कैसे चलाते हैं तो उसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आई बटन और एंड स्क्रीन पर तो मैं दे ही दूंगा आपको। साथ ही में आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिए पूरा, मैंने उसके आधे घंटे में आपको पूरा काइन मास्टर यूज़ करना बताया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।